हेलो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नई रेसिपी में तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सूजी की मिल्क केक कैसे बनाए मतलब कलाकंद सूजी का मिल्क केक कैसे बनाया जाता है मिल्क से तो दूध से तो बनाना है वो तो पता ही है वो तो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है तो आज हम बनाएंगे सूजी का कलाकंद वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए चलिए स्टार्ट करते हैं हेलो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है सोनी के चंद में अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी वाला बटन है उसको जरूर दबा लें ताकि कि हमारी जो आने वाली हलवाई वाली वीडियोस हैं वो आप सभी को मिलते रहे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सूजी का जो कलाकंद है बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक कढ़ाई या फिर पैन या फिर कुछ भी आप ले सकते हो उसमें हमें आ, आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा अगर आपको कप कप के हिसाब से मेजरमेंट में आपको बताऊं आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा हमें घी डालना है यानी कि 150 ग्राम मैंने यहाँ पे घी डाला है घी आप कोई भी यूज़ कर सकते हो उसके बाद सूजी जो हम डाल रहे हैं 200 ग्राम मैंने यहाँ पे सूजी लिया है जब घी थोड़ा सा गर्म हो जाए तब दो ग्राम यानी कि जो कप है वो फुल भरा हुआ बिल्कुल अच्छे से फुल एक कप भर लेंगे तो वो बिल्कुल दो ग्राम हो जाएगा तो जैसे ही घी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो सूजी जो है इसमें हम डाल देंगे और सूजी डालने के बाद हमें इसको करीब दस मिनट के लिए लो फ्लेम पे बिल्कुल लो फ्लेम ही रखना है हाई फ्लेम पे करेंगे तो सूजी आपकी ब्राउन हो सकती है हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना बस सिर्फ इसको कर... मतलब जो इसका कच्चापन है उसको दूर करना है बस तो हमें क्या करना है दस मिनट तक इसको लो फ्लेम पर भुनना है यानी कि इसका बिल्कुल कच्चापन दूर हो जाए और इसमें हल्की सी खुशबू आने लग जाए मतलब कि बिल्कुल परफेक्ट जैसे भुने हुए की खुशबू आती है ना जैसे हम भूनते हैं कोई सूजी का हलवा बनाने के लिए जब भूनते हैं तो वैसे स्मेल आती है तो वैसे हमें थोड़ी थोड़ी स्मेल आने लग जाए तब तक हमें इसको भूनना है दस मिनट दस मिनट के अंदर अंदर ही बुनना है दस मिनट से ज्यादा नहीं बुनना है बस आप इतना ध्यान रखें, लो फ्लेम पे जैसे जैसे हमारी सूजी जो है वो भुनती जा रही है इसमें से घी और रिलीज़ हो रहा है ये देखिए थोड़ा सा घी ऐसा लग रहा है कि पहले से ज़्यादा हो गया है तो अब जो सूजी है 10 मिनट में भुन चुकी है काफ़ी बढ़िया से इसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं गैस बंद करते हैं गैस बंद करने के बाद हमें क्या करना है इसको दो चार मिनट के लिए या फिर दो तीन मिनट के लिए इसको ठंडा करना है क्योंकि हम इसमें ऐड करेंगे वन कप मिल्क पाउडर मिल्क पाउडर अगर हम बहुत ज़्यादा गर्म गर्म में ही ऐड कर देंगे तो मिल्क पाउडर में गुठलियाँ बन जाएंगी और फिर वो जल भी सकता है तो इसीलिए जब पैन ठंडा हो जाए अंदर का जो सूजी है वो ठंडा हो जाए ना हो पैन जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए मतलब दो तीन मिनट के बाद तब इसमें मिल्क पाउडर एक कप यानी कि 100 ग्राम से थोड़ा सा ज्यादा या फिर 100 ग्राम ही आप डाल सकते हो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें मिक्स करेंगे ये देखिए गैस बिल्कुल बंद है आप देख सकते हैं बिल्कुल गैस बंद है और इसको मिल्क पाउडर को अच्छे से हमें मिक्स कर देना है पहले तो आप इसमें थोड़ा सा डालें और धीरे धीरे करके मिक्स करना है अगर एक ही बार में अगर आप डाल देंगे तो बहुत ज़्यादा गुठलियाँ बन सकती हैं लम्पस बहुत सारा हो सकता है इसमें अच्छा हम चाहे तो मिल्क पाउडर के बिना भी इसको बना सकते हैं लेकिन फिर ओनली सूजी का टेस्ट आएगा मतलब इसमें कोई भी क्रीमीनेस मावा वाला जो टेस्ट है वो बिल्कुल नहीं आएगा तो इसीलिए मैं मिल्क पाउडर आप सभी को बता रहा हूँ कि आप मिल्क पाउडर इसमें ऐड कर लेंगे तो जो सूजी से क्या होगा कि दाने दाने इसमें बन जाएंगे और मिल्क पाउडर से क्या होगा एक बाइंडिंग और टेक्स्चर काफ़ी अच्छा आएगा ना तो सूजी से ओनली सूजी का टेस्ट आएगा तो मिल्क केक जैसा नहीं लगेगा तो इसीलिए मिल्क पाउडर मैंने ऐड किया है इसमें अब इसको हम साइड में रख देते हैं हमें बनानी है चाशनी उसी गैस पे मैंने दूसरा पैन रखा है उसमें चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा यानी कि एक कप से थोड़ा सा कम मैंने पानी लिया है पानी अगर मैं आपको बताऊँ तो डेढ़ सौ है और जो चीनी है वो हमारे पास है तीन ग्राम 300 ग्राम चीनी इसमें काफ़ी ज़्यादा है मतलब ठीक है बिल्कुल नॉर्मल है आप चाहो तो कम डाल सकते हो ज़्यादा भी डाल सकते हो लेकिन कम बहुत ज़्यादा कम मत कर देना ना तो जो आपका मिल्क केक है वो बीच में से ब्राउन नहीं होगा तो सवा कप के करीब मैंने यहाँ पे चीनी डाला है यानी कि 300 ग्राम अब दोनों को अच्छे से हमें एक बार उबालना है एक बार उबाल आने तक का हमें वेट करना है बस जैसे ही हमारी चाशनी एक बार उबल जाए तो हमारी चाशनी जो है वो बन के रेडी है हमें इसको बहुत ज़्यादा उबालना नहीं है बहुत ज़्यादा तार नहीं बनाना इसका इसमें कोई भी तार नहीं होनी चाहिए बस आप चेक करके अगर मैं आपको बताऊँ ये देखिए इस तरीके से हमारी जो चाशनी है वो हल्की सी चिपचिपी होनी चाहिए बिल्कुल तार नहीं है इसमें तार नहीं बनानी बस आप इतना ध्यान रखें आधा पानी और जितना चीनी है उसका आधा पानी डाल के एक बार उबाल लेना है बस और वही जो चाशनी हम हमने रेडी की है वो चाशनी इसके अंदर हमें डाल देना है जो सूजी और मिल्क पाउडर का मिक्सचर है जो सूजी हमने बोना है ना इसी में डाल देना है अब गैस मैंने ऑन तो किया है लेकिन बिल्कुल लो फ्लेम ही रखना है बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने गैस को ऑन कर रखा है लो फ्लेम पे इसको हमें पकाना है चार से पाँच मिनट के लिए ताकि जो सूजी है वो पानी को अच्छे तरीके से अब्जोर्व कर ले और काफ़ी अच्छे से थिक हो जाए और इसमें थोड़ी सी मतलब पाँच मिनट भुनने के बाद इसमें ब्राउननेस थोड़ा सा आने लग जाएगा मतलब जो काला कंद होता है जैसे मिल्क केक होता है उसका जो टेक्सचर होता है वो धीरे धीरे करके इसमें आने लग जाएगा तो करीब पाँच मिनट हमें इसको लो फ्लेम पर पकाना है बहुत ज़्यादा पकाने की जरूरत नहीं है सिर्फ पाँच मिनट हमें इसको पकाना है सूजी का जो मिल्क केक है वो बनाना बहुत ज़्यादा ईजी नहीं है लेकिन जो मिल्क से हम बनाते हैं दूध से वो काफ़ी ज़्यादा इजी है बहुत सारे लोग गलतियाँ करते हैं सूजी का मिल्क केक बनाने में बहुत सारे लोगों से बनता नहीं है तो करीब अगर आप एक दो बार बना रेंगे, बनाएंगे तो आपसे बनने लग जाएगा तो अब हम क्या करेंगे तब तक वो हम पका रहे हैं तब तक एक केक टिन वगैरह अगर आपके पास इस तरह का है तो इसमें हल्का सा ऑयल लगा के इसको ग्रीस कर ले अगर आपके पास इस तरीके का के केक टिन नहीं है तो आप कोई भी कटोरी या फिर कोई भी चीज़ ले सकते हैं जो बड़ा बाउल टिफ़न वगैरह जो घर में होता है स्टील का आप वो भी ले सकते हैं देखिए अब हम क्या करेंगे इसको रख देते हैं साइड में और जो हमारा मिल्क केक है आप देख सकते हैं उबल रहा है इसको मैंने लो फ्लेम पे रखा हुआ है अभी भी और थोड़ा सा इलायची का पाउडर मैंने इसमें डाला है आप चाहो तो इस टाइम पे थोड़ा सा इसको और सॉफ्टनेस देने के लिए मतलब लॉन्ग टाइम तक सॉफ्ट रहे इसमें एक बड़ा चम्मच देसी घी भी डाल सकते हो तो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक जो हमारा मिल्क केक है वो सॉफ़्ट रहेगा तो हमें लॉन्ग टाइम तक रखना नहीं है इसीलिए हम क्या कर रहे हैं इसमें नहीं डाल रहे अगर आपको पसंद है तो डाल सकते हैं इसमें अब देखिए हल्का सा जो टेक्स्चर है वो काफ़ी थिक लगने लग गया है और थोड़ी सी जो ब्राउननेस है वो इसके अंदर आने लग गई है अब हम क्या करेंगे इसको थोड़ा सा निकाल के चेक करेंगे देखिए थोड़ा सा प्लेट में निकाले उसको ठंडा होने दें और जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए तब इसका आपने क्या करना है कि बॉल बना के देखना है ये देखिए आपके हाथों में चिपके ना बस आप इतना ध्यान रखें और ये देखिए जब आप इसको बॉल बना रहे हैं तो आपके हाथों में चिपकना नहीं चाहिए और जब आपके हाथों में नहीं चिपक रहा तो इसका ये मतलब है कि ये बिल्कुल रेडी है सेट होने के लिए तो अब हम क्या करेंगे इसको फटाफट से मिक्स करेंगे और गैस का फ्लेम हाई पे करेंगे हाई पे क्यों किया है मैंने क्योंकि ये थोड़ा और अच्छे से गर्म हो जाए जब गर्म गर्म किसी चीज़ को हम डालते हैं तो वो ओवर हीटिंग की वजह से मतलब ज़्यादा हीट लगने की वजह से ये इसके अंदर जो बीच की लेयर है उसमें ब्राउननेस आ जाएगी मतलब ब्राउन हो जाएगा वो वो पार्ट ये देखिए इस तरीके से मैंने केक टिन में डाल दिया है और आप चाहो तो कोई भी बाउल वगैरह यूज़ कर सकते हो उसमें डालना है और फटाफट से हमें क्या करना है इसको ऊपर से प्लेन करके सेट करके उसको किसी भी चीज़ से थाली से या फिर किसी भी चीज़ से कवर करके उसको रख देना है तीन से चार घंटे के लिए आप चाहो तो इसको ओवरनाइट भी रख सकते हो या फिर दो घंटे के लिए भी रख सकते हो कम से कम दो घंटे तक रखना इसको ज़रूरी है अगर आप दो घंटे के लिए रखेंगे तो ये काफ़ी अच्छे से ब्राउन हो जाएगा और किसी गर्म जगह पे रखेंगे तो और भी अच्छा रहेगा तो देखिए दो घंटे हो चुके हैं अब दो घंटे के बाद मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ तो काफ़ी अच्छे से इसमें लग रहा है कि बीच में काफ़ी बढ़िया से ब्राउन होगा अभी तो देखने में लग रहा है ऊपर से क्योंकि ऊपर भी हल्का हल्का सा जो है ब्राउन हो चुका है आप देख सकते हो और इसको हम साइडों को पहले रिलीज़ कर लेंगे मतलब चाकू से इसको साइड में थोड़ा सा लगा देंगे कट और उसके बाद इसको हम उठा के ज़ोर से पलट देंगे इस, किसी भी बोर्ड या फिर किसी भी थाली में तो ये निकल जाएगा ये देखिए इस तरीके से निकल चुका है तो काफ़ी सॉफ्ट है मतलब बहुत ज़्यादा अभी हमने टाइम नहीं रखा था इसको हल्का हल्का सा आपको गर्म भी लगेगा अब हम इसको कट कर लेते हैं अगर आप इसको ओवरनाइट रखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा और भी अच्छा रहेगा ओवरनाइट में कभी कभी क्या होता है कि आप बहुत ज्यादा अगर आपने इसको पका दिया है तो बहुत ज्यादा हार्ड हो सकता है इसीलिए मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि आप इसको दो घंटे के बाद कट जरूर कर ले एक बार चेक कर ले मतलब दो घंटे के बाद जो आपका अगर मिल्क केक है तो दो तीन घंटे में अगर सेट हो चुका है तो काफ़ी बढ़िया है ये देखिए बीच में काफ़ी बढ़िया से ब्राउन हो चुका है आप देख सकते हैं और बिल्कुल मिल्क केक की तरह ही लग रहा है सॉफ्ट है काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में अभी ये थोड़ी देर में और भी ज़्यादा भी हार्ड हो सकता है मतलब थोड़ी थोड़ी देर में और ज़्यादा टाइट हो जाएगा जब हम इसको फ्रिज में रख देंगे तो आप चाहो तो फ्रिज में रख के आप इसको पंद्रह दिन तक इन्जॉय कर सकते हो पंद्रह दिन तक जो हमारी मिल्क केक है ये हमारा ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा तो अब हम क्या करेंगे इसके छोटे छोटे पीस जो आपको शेप आपको अच्छा लगे जैसे भी छोटे छोटे पीस में आप काटना चाहो वैसे आप इसको कट कर सकते हो ये देखिए बिल्कुल रेडी है अब इसको आसानी से आप घर पे बना सकते हो बहुत ज़्यादा इजी तो नहीं कहूँगा लेकिन ठीक है आप अगर ट्राई कर रहे हैं तो पहली बार में अगर ना बने तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम हुई तो मैं आप सभी को अगली बार भी इस वीडियो के थ्रू या फिर किसी भी वीडियो में आप सभी को सोल्यूशन बताऊँगा तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल पे और भी बहुत सारी हलवाई की जो रेसिपीज़ हैं अगर आप जैसे शॉप पे कैसे बनाते हैं वो भी सीखना चाहते हैं तो वो भी आप हमारे चैनल पे जाके सीख सकते हैं बहुत सारी रेसिपीज शॉप की भी अपलोड है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ थैंक यू सो मच गाइज दोस्तों तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला जो बटन है उसको जरूर दबा लें ताकि आपको हमारी आने वाली हलवाई वाली जो वीडियो है वो आप सभी को मिलती रहे थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में